काफ़ी सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या ऑप्शंस हैं उनके पास और किस तरह से बाकी ऑप्शंस के बारे में। मोस्टली लोग JEE को प्रेफर करते हैं, बाकी ऑप्शंस उनके पास रहते नहीं हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। सो हाई एवरी वन, माई सेल्फ अमित कुमार यादव, इंटीग्रेटेड MSc एट ICER भोपाल। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वॉट आर द लाइक काइंड ऑफ कि बहुत सारे बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग द एडमिशंस एंड अलॉट ऑफ जो भी चीज़ें होती हैं आफ्टर द क्लास 12th। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कन्फ्यूज वॉट आई प्रिफर, वॉट आई डो नॉट प्रिफर, वॉट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी इफ़ आई choose this college, if I prefer this college, this institute, so this is better for the placements or this is better for like it is good for me and or not, and like this institutes offer a good opportunities or not. So a lot of doubts students are facing difficulty after the class class 12th, or if even those who are in 12th also. So this kind of peer pressure, how after the board's examination how I can prepare, what are the other options. So today in this video I am going to tell you in details. So basically 2 से 3 साल हो चुके हैं लगभग मेरे को, हज़ारों स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर चुका हूँ इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। तो मोस्टली सारे बच्चों का जो डाउट क्या रहता है, बच्चे इसी में परेशान रहते हैं ट्वेल्थ के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज रहते हैं लगातार इसमें कि ऑप्शंस उनके पास क्या क्या हैं। अगर ऑप्शंस होते पहली बात तो पता ही नहीं रहता है लोगों को, जिनको पता भी चलता है तो वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या, मतलब कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो पूरा बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मोस्टली लोग JEE वगैरह में प्रेफर करते हैं, JEE मेन्स एडवांस को प्रेफर करते हैं, नीट को प्रेफर करते हैं। जो बच्चे बायो वाले होते हैं नीट की तरफ जाते हैं, जो बच्चे JEE उसकी तरफ होते हैं तो उनकी तरफ जाते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके लिए उसी लेवल का हेल्प करते हैं, आप जहाँ जाना चाहते हो काइंड ऑफ पूरा यहाँ पे उसी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एकेडमिक करिकुलम, प्लेसमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ काइंड ऑफ सब कुछ लगभग सेम होती हैं, बट मोस्टली लोगों को पता नहीं रहता है। तो फर्स्ट आपका ICERS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जहाँ पे मैं अभी खुद हूँ ICER भोपाल में। टोटल 7 ICERS हैं, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, पुणे, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, बहरामपुर। 7 ICERS है टोटल। इसका क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, इन सब का वीडियोस में डिटेल में लेके आऊँगा बाद में। लेकिन अभी जो मेन चीज़ होती है मतलब जो बच्चों का पता नहीं रहता है, तो ये एक बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर आप जैसे IITs और NITs, IIITs हो गया, या इन सब के अलग काम होते हैं, लाइक IIT अपना टेक के फील्ड में टॉप पर होता है। रिसर्च के लिए अगर आप बेसिकली आपको प्योर साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में हो गया, डेटा साइंस में हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, तो आप इन सारे आप इंस्टीट्यूट को प्रेफर कर सकते हो। और रिसर्च के लिए टॉप कॉलेज माने जाते हैं। 7 ICERS होते हैं, इसका जो एग्ज़ाम होता है एक ICER एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आप JEE एडवांस के थ्रू भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका होता है, अभी मैं बताऊँगा क्या इंपॉर्टेंस है आपको इनको प्रेफर क्यों करना चाहिए क्लास 12th के बाद, कि बहुत सारे बच्चे पीयर प्रेशर में रहते हैं कि करना क्या है उनको, मतलब मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि जब मैं 12th में था तो मेरे को भी काइंड ऑफ यही सारा प्रेशर था। जब इवन सितंबर अक्टूबर के टाइम पे मेरे को करना क्या, तो मैंने चीज़ें ढूंढना शुरू की अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने चीज़ें ढूंढना शुरू की, तो मेरे को मिलती गई चीज़ें, तो पूरा बताऊँगा मैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट है NICERS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका ये ICERS अलग, ICERS एक अलग होते हैं, ICERS के मतलब 7 ICERS होते हैं, या फिर NICERS सिर्फ एक ही होता है जिसका एक ही एग्जामिनेशन होता है नेस्ट का, इससे आपको NICERS भुवनेश्वर CBS मुंबई में एडमिशन मिलता है। तो
इसका एक एडवांटेज क्या होता है, आप इस यहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद, यहाँ से पास आउट होने के बाद आप डायरेक्ट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अप्लाई कर सकते हो फॉर इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी आपको, इंटरव्यू के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देन आप इंटरव्यू में जाओगे, देन आपको जॉब मिलेगा। यहाँ से एक एडवांटेज यही होता है कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका होता है ISI, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक, सभी मतलब मोस्टली जिनको मैथ्स में इंटरेस्टेड है, मैथ्स डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट, मोस्टली स्टूडेंट्स को नाम सुना होगा आप लोगों ने ISI का। CMI होता है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ये जो दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं लगभग मैथ्स के लिए और कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस के लिए होते हैं। मैथमेटिक्स और CS ब्रांचेस के लिए दोनों इंस्टीट्यूट काफ़ी बेस्ट हैं, जिनको मैथ्स प्लस CS दोनों में इंटरेस्ट रहता है वो ISI CMI दोनों में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हो आप। तो मोस्टली इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता। अब बात करते हैं प्रेफर क्यों करना चाहिए आपको। जैसे आप JEE के लिए जाते हो, आपको चाहिए कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, आप आगे अच्छी प्लेसमेंट, अच्छे जॉब के लिए जाओ, PhDs के लिए जो अच्छे जाना चाहते हैं, अच्छी जगह PhDs मिले, तो इन सारी जगहों पे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं। अप्रॉक्स हर साल काफ़ी लोग एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी लोग के एडमिशन्स भी होते हैं। तो मोस्टली लोग धीरे धीरे अब लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले जब मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ था तो बहुत कम लोग अवेयर थे एंड बहुत कम लोग जानते थे। जैन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई तो लोगों को पता चलता गया, बिकॉज ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी ISS, NICS, CMI, ISI, ISI, CMI तो मोस्टली लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या पूरा प्रोसेस रहता है, कैसे एलिजिबिलिटी होती है। 12th के बाद मेरा मानना यही है कि आप इन सारे इंस्टीट्यूट्स को प्रेफर करो, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं PhDs के लिए। आप यहाँ पर डायरेक्ट PhDs के लिए भी आ सकते हो, IPhDs, इंटीग्रेटेड MS, BS सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है। प्लेसमेंट्स भी अच्छे खासे होते हैं। मोस्टली लोग लाइक जो JEE का जो रहता है ना, अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है, JEE और UPSC तो अलग चीज़ हो गई, JEE के लिए जो रहता है तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन आप JEE से भी इन सारे कॉलेजेस में आ सकते हो। टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं, तुम अगर आप सर्च करोगे, जो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस मेरी देखी हैं उनको पता होगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हो सर्च करो आप जाके ISRs क्या होते हैं, पूरा सब कुछ मिलेगा। एंड डोंट वरी, सबका मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, ISR का एक अलग आऊँगा, NICS का एक अलग लेकर आऊँगा, एंड आपका जो ISI में कैसे एडमिशन होता है, CMI में कैसे होता है, पूरा एक सबका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताओ आपको कौन से वीडियोस चाहिए, लाइक जैसे कि कौन से आप एज अ स्टूडेंट, जैसे आप बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अभी जो फर्स्ट ईयर आया हुआ है यहाँ पे ISR भोपाल में, वो लोग मेरे से आके मिलते हैं, भैया कैसे हो ये वो, तो बहुत सारे लोग मिल चुके हैं मेरे से। तो जितने लोग, अगर अभी भी जो लोग नहीं मिले तो मिल सकते हो आके, टेलीग्राम पे मैसेज करो या फिर कहीं मैसेज करो, मिल सकते हो आकर के। तो मतलब मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपको कैसे अर्निंग करनी चाहिए, आप अपना मैथ्स का खर्चा, मैथ्स का जो वगैरह फ़ी वगैरह है उसको आप मैनेज कर सकते हो, तो सबका अगर ये वीडियो चाहिए तो उसको डिटेल में बताऊँगा, नीचे कमेंट करके बताओ। सबका मैं जो भी जितने भी कॉलेज वीडियो मैंने बताए हुए हैं सबको अलग से, सबको मैं चारों को अलग से एक्सप्लेन करूँगा, कैसे क्या एलिजिबिलिटी होती, कैसे प्रोसेस होता है, कब इसका फॉर्म रिलीज होता है, कब इसका एडमिशन होता है। एंड नेक्स्ट चीज़ इंटर्नशिप्स वगैरह का सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। ऑलरेडी मैंने विंटर इंटर्नशिप का एक बता दिया, आप जाकर के उसको फॉलो करो, वो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है, जाकर के उसको वीडियो चेकआउट करो। और कौन सी वीडियो चाहिए इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताओ। फ़िलहाल अभी मैं मिलता हूँ आगे वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।